गुजरात सरकार ने दीपावली से पहले राज्य में रहने वाले लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। गुजरात सरकार की तरफ से दी गई सौगात ने करोड़ों लोगों को खुश कर दिया है। गुजरात सरकार ने दीपावली से पहले सीएनजी और पीएनजी पर लगने वाले वैट में 10% की कटौती कर दी है। इसके अलावा सरकार ने उज्ज्वला योजना के 38 लाख लाभार्थियों को हर साल 2 सिलेंडर मुफ्त देने की भी घोषणा की है। सीएनजी पाइप के जरिए घरों में पहुंचने वाली प्राकृतिक गैस पर वैट में कमी और केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को हर साल 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर से राज्य सरकार पर 1650 करोड़ रुपए का बोझ आएगा। राज्य सरकार की तरफ से यह घोषणा उस समय की गई जब गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात के मंत्री जीतू वघानी ने कहा है कि सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट 10% घटा दिया है। इससे गृहिणी महिलाओं, ऑटो रिक्शा चालकों और सीएनजी से चलने वाले वाहनों का उपयोग करने वालों को काफी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि गुजरात में सीएनजी और रसोई में इस्तेमाल होने वाले पीएनजी पर वैट 15% था। इस बदलाव के बाद अब वैट घटकर 5% रह गया है। सीएनजी की कीमतों में 6 रुपए प्रति किलोग्राम तो पीएनजी की दरों में 5 रुपए प्रति घन मीटर की कमी इससे देखने को मिल सकती है। इससे आने वाले समय में लोगों के बिलों में बड़ा फर्क देखा जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसके मद्देनजर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।